किसान आंदोलन और कृषि कानून पर फैसले का दिन, आज फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट। कानून की वैधता, किसानों के धरने समेत सभी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट टुकड़ों में दे सकता है आदेश। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, बोले सर्वमान्य होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः हम रास्ता समाधान करने में सफल हो सके। किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कमेटी बनाने का प्रस्ताव, सॉलिसिटर जनरल बोले कई कमेटी के प्रस्ताव पर बना है कानून। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद किसान संगठनों ने जारी किया बयान, कमेटी के गठन के कयासों के बीच किसानों ने किया शामिल होने से इनकार। और जब फटकार लगाई तो 22 दिन में सरकार को ढूंढ कर जाई सुप्रीम कोर्ट से, भाग्य थी सरकार को। कल किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई थी फटकार, पूछा क्यों नहीं रोकते नए कानून पर अमल। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सरकार की ओर से दी गई दलील, सॉलिसिटर जनरल बोले किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं तो नहीं लगेगी कानून पर रोक। किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा अगर खून खराबा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सुलगी सियासत, कांग्रेस ने किया जोरदार हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आकर इस देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के किसान और अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए और तीनों कानून खत्म करने की घोषणा करनी चाहिए। कृषि कानून को लेकर सरकार को घेरने का कांग्रेस का प्लान, विपक्षी दलों के साथ पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कर सकती है बैठक। 48वें दिन जारी है आंदोलन, दिल्ली के चारों ओर डटे हैं आंदोलनकारी। पंजाब के मोगा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च, 26 जनवरी को दिल्ली में दाखिल होने की तैयारी। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गणतंत्र दिवस की गरिमा प्रभावित नहीं करने का किसानों का कर्तव्य। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जताई उम्मीद, 15 जनवरी को किसान संघ होने वाली अगली बैठक में खोज लिया जाएगा कोई ना कोई हल। किसान आंदोलन, किसान यूनियन के झंडे और स्टिकर का युवाओं में बढ़ रहा है क्रेज, बाजार में बढ़ी मांग। मध्य प्रदेश के बड़वानी में किसानों ने खुद नष्ट की अपनी बैंगन की फसल, मंडी में कम दाम मिलने से थे परेशान। सतना में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, नए कृषि कानून को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। देश के 13 शहरों में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई, 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम। पुणे के सेरम इंस्टीट्यूट से भेजी गई कोविड वैक्सीन की खेप, सुबह ट्रक से भरकर वैक्सीन रवाना। सूत्रों के मुताबिक 200 रुपए होगी कोविशील्ड की एक डोज की कीमत, पहले चरण में 1 करोड़ डोज देगा सेरम इंस्टीट्यूट। मुख्यमंत्री की बैठक में प्रधानमंत्री ने लोगों को किया आगाह, वैक्सीन पर अफवाहों से बचने की दी सलाह। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले, इप्स और बढ़ से बात नहीं होनी चाहिए। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 16,311 नए मामले, एक दिन में 161 की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 306 नए मामले, एक दिन में 13 की मौत। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि, पॉजिटिव पाए गए जलंधर और भोपाल भेजे गए बतखों और कौओं के सैंपल। महाराष्ट्र पहुंचा बर्ड फ्लू, मुंबई, ठाणे और परभनी में मृत पक्षियों के वायरस का संक्रमण, सीएम उद्धव ने ली मीटिंग। 9 राज्यों में पहुंच चुका है बर्ड फ्लू, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बर्ड फ्लू की पुष्टि, कौए में पाया गया वायरस। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मृत पाई गई 4 मुर्गियां, लोगों में बर्ड फ्लू की दहशत। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में 16 जनवरी से टीकाकरण की जताई आशंका, कहा मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं, केंद्र से अभी नहीं मिली है वैक्सीन पहुंचाने की कोई जानकारी। सरकार, भारत सरकार से प्राप्त होगा, हम लोग देंगे, देंगे हम लोग देंगे ना, तो समय आ रहा है, अभी आया कहां आया। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाके में किसानों को नहीं मिल पा रहा है सरकारी योजना का लाभ, सुकमा में लगाए गए 90% सोलर पंप अब तक चालू नहीं। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा देवी देवताओं से जुड़े सियासी बयानबाजी, टीएमसी नेता सुजाता मंडल ने राम को बताया बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर। टीएमसी नेता सुजाता मंडल का बयान, बीजेपी खुद को बेचने के लिए प्रभु रामचंद्र को एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इस्तेमाल करती है। जे रामचंद्र के तारा यूज करे ब्रांड एम्बेसडर हिसाबे, जमन प्रोडक्ट के बिक्री करा समय। सुजाता मंडल ने किया सवाल, रामायण में किस पृष्ठ पर लिखा है कि सिर्फ बीजेपी के हैं भगवान राम, भारत में हिंदू के साथ अल्पसंख्यक भी करते हैं राम की पूजा। सुजाता मंडल ने दलितों के घर अमित शाह और जेपी नड्डा की खाना खाने को लेकर उड़ाया मजाक, कहा लाखों खर्च कर पहले सजाए गए उनके घर। प्रयागराज के मांग मेले में सीतापति टीएमसी सांसद की विवादित बोल, बयान पर भड़का संसमान, राष्ट्रपति से ममता सरकार और सांसद कल्याण बैनर्जी को बर्खास्त करने की मांग।
रणनीति है, पाकिस्तान परस्त है, बांग्लादेश परस्त है, रोहिंग्याओं के साथ खड़े रहने वाले, आतंकवादियों के साथ खड़े रहने वाले। मौनी महाराज ने दी धमकी, सीता पर मर्यादित बयान देने वाले सांसद कल्याण बैनर्जी को जेल नहीं भेजने पर ले लूंगा भूमि समाधि। यह सरकार को चाहिए, राष्ट्रपति जी का एक विशेषाधिकार करके उसके सरकार को बर्खास्त करें, सांसद को बर्खास्त करें, उस पर कार्रवाई करें, उसको जेल भेजें। प्रयागराज में माघ मेले में लगी पुलिस की पाठशाला, आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है अच्छे आचरण का संदेश। भारत से तनाव के बीच चीन में पूर्वी लद्दाख में एलएसी ने अपने जवानों को हटाया, 10,000 जवान पीछे हटे। भारतीय सीमा के पास 200 किलोमीटर के दायरे में चीनी सैनिक हटे। लद्दाख में शून्य से नीचे गिरते तापमान के बीच चीन ने उठाया कदम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद को दी अंतिम राहत, 13 जनवरी तक सोनू सूद की बिल्डिंग पर हथौड़ा नहीं चला सकेगी बीएमसी। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को राजद्रोह केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने 25 जनवरी तक दोनों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बने पिता, पत्नी अनुष्का ने बेदी को दिया जन्म। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को करेंगे संबोधित, सुबह 10:30 बजे होगा पीएम मोदी का संबोधन। गृहमंत्री अमित शाह की आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर चर्चा। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की पत्नी सड़क हादसे में उनकी मौत, नाइक को लगी चोटें, कर्नाटक के अंकोला में हुआ हादसा। हादसे में श्रीपद नाइक की गाड़ी के उड़े पर खच्चे, पणजिम के अस्पताल में भर्ती हैं श्रीपद नायक, हालत स्थिर। मुंबई में बांद्रा में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिवाइडर से टकराई, हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। रायबरेली के दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर एक शख्स ने फेंकी स्याही, जमकर हुआ हंगामा। विवादित बयान देने के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सोमनाथ भारती, सुल्तानपुर कोर्ट में 13 जनवरी को जमानत अर्जी पर सुनवाई। विवादित बयान देने वाले आप विधायक सोमनाथ भारती पर बरसे मंत्री मोहसिन रजा, कहा ऐसे लोगों के लिए यूपी प्रतिबंधित। यूपी दौरे के दौरान सोमनाथ भारती की विवादित बयान पर हुई थी गिरफ्तारी, कहा था यूपी के अस्पतालों में पैदा होते हैं कुत्तों के बच्चे। गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की कोर कमेटी की बैठक, विधानसभा चुनाव की बनी रणनीति। पाकिस्तान ने फिर की गुस्ताखी, तोड़ा सीज फायर, पुंछ इलाके में अंधाधुंध गोलाबारी। पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में 16 साल का बच्चा हुआ घायल, शाहपुर और मेढर इलाके में गिरे पाकिस्तानी मोर्टार से दागे गए थे गोले। जम्मू कश्मीर के डोडा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.1 थी तीव्रता। पाकिस्तान में फंसे 114 यात्री अमृतसर लौटे, लॉकडाउन के बाद फंसे सभी यात्रियों की अटारी वाघा बॉर्डर से हुई वापसी। कृषि कानून के विरोध में बुंदेलखंड किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में दिया धरना। एमपी के मुरैना में जहरीली शराब का कहर, 10 की मौत। दो अलग अलग गांव में जहरीली शराब पीने के बाद मचा हड़कंप, 7 लोग गंभीर रूप से बीमार, लोगों का इलाज जारी। एमपी के राजगढ़ में बस ने बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौत। बिहार के कैमूर में डीएफओ के चालक ने ठेकेदार को मारा चाकू, गंभीर रूप से घायल ठेकेदार अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू, राजपथ पर हुआ रिहर्सल। केदारनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी, 3 फीट तक बर्फ से ढका पूरा धाम। केदारनाथ धाम में चारों ओर बर्फी बर्फ आ रही नजर, केदारनाथ धाम को जोड़ने वाली सभी पैदल मार्ग बंद। लगातार हो रही बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम हुआ गुलजार, हर जगह बर्फ की सफेद मोटी चादर आई नजर। औली में बर्फबारी के बाद आईटीबीपी ने शुरू किया स्कीइंग पर प्रशिक्षण, 1 फीट तक जमी हुई है बर्फ। राजधानी दिल्ली एक बार फिर घने कोहरे की चपेट में, शीतलहर के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। न्यूज एंकर और अभिनेत्री रही पायस पंडित ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली, 10 से ज्यादा हिंदी और दक्षिण की फिल्मों में किया है काम। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी की महिला पंचायत अध्यक्ष रहमत जहान के पति ने को पति ने दिया 3 तलाक, मारपीट का आरोप, पत्नी ने दर्ज कराया केस। रहमत जहां के मुताबिक पति सरकारी कामों में कराना चाहते थे गड़बड़ी, मना करने पर की मारपीट, बाद में दिया तलाक। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में हत्या और बलात्कार के बढ़ते अपराध पर जताई चिंता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन किया तलब। मध्य प्रदेश दमोह में एक हत्याकांड के बाद बढ़ा तनाव, हिंदू संगठनों ने बंद का किया ऐलान, उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंजाब में हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों ने एसआईटी बनाने की मांग की, सीएम को सौंपेंगे खून से लिखा खत। बिहार में हर घर जल हर घर नल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप, मानेर की कई पंचायतों में कागज पर योजना पूरी लेकिन असलियत में बोरिंग नहीं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक बदमाश ने पान वाले पर चलाई गोली, वीडियो वायरल होने पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के झांसी में रामलीला के मंच पर डांसर्स ने लगाए ठुमके, जुटी भीड़ के बीच कोरोना काल के नियमों की उड़ी धज्जियां। यूपी के शाहजहांपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट, बाइक रेस के दौरान एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ में बढ़ा था विवाद। महाराष्ट्र के मालेगांव में चलती बस में बलात्कार, आरोपी क्लीनर को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश से सीधी
में विधवा महिला से गैंग रेप, आरोपी फरार, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है पीड़िता। रायपुर में कांग्रेस पार्षद की धमकी का वीडियो वायरल, एक महिला के सामने उसके बेटे को धमकाया। मुरादाबाद में ट्रेन की चपेट में आकर भाई बहन की मौत, मदरसे से लौटते वक्त हुआ हादसा। लखनऊ के जौहरी से लूटपाट में 5 आरोपी गिरफ्तार, सभी को भेजा गया जेल। सस्ती शराब को ब्रांडेड बोतल में बेचने का गोरख धंधे का खुलासा, यूपी के शाहजहांपुर में एक आरोपी और एक सेल्समैन गिरफ्तार। प्रयागराज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में डीएलएड करने वाले छात्र परेशान, शिक्षक भर्ती में शामिल करने के नोटिफिकेशन का इंतजार। सागर में प्रेमिका पर चाकू से हमला करने के बाद प्रेमी लगाई फांसी, घायल प्रेमिका अस्पताल में भर्ती। छिंदवाड़ा में नाबालिग लड़की का मिला शव, अब भी नहीं हो सकती है शिनाख्त। मेरठ में अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश घायल, 4 लोगों की गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।